नमस्कार प्यारे बच्चों तो लास्ट टाइम ये आपका बिजनेस मैथ्स फोर्थ सेमेस्टर में पहले हुआ करता था उसमें कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट पे उन्होंने स्टडी स्टार्ट की थी या फिर उन्होंने आ, किसी भी टाइप की को, कोर्स में एनरोलमेंट नहीं था सेल्फ स्टडी पे थे उनको लगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स ही पूरा हंड्रेड कोर्स है जिसकी वजह से उनका बैक लग गया बट कोई बात नहीं अब आपको दोबारा चांस मिला है बट दोबारा चांस में भी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि अब दोबारा बैक ना लग जाए आपकी तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में करके जाने हैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस में सबसे पहले आप देखिएगा चेंजिंग रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फर्स्ट ईयर टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी इंपॉर्टेंट पेपर अगर इजी आएगा तो ये क्वेश्चन दे देगा इजी नहीं है तो फिर कंप्लीट टॉपिक ऑफ एन टी का आपको आप, करना पड़ेगा क्लियर है बच्चे एन टी का और एन एक वास्ट कॉन्सेप्ट है वास्ट टॉपिक है इसको पूरा कवर करना है आपने इसमें आएगा सिंकिंग फंड एंड बोन्ड्स यही इनमें से क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स और फाइनेंस में होगा सिर्फ एनी टॉपिक को आप कवर करके जाए मैथमेटिक्स और फाइनेंस में और बाकी टॉपिक में अपना समय वेस्ट टाइम वेस्ट ना करें इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे तो लास्ट के थ्री इयर्स से क्वेश्चन आप जरूर करें मैथमेटिक्स और फाइनेंस के क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शनल में ही आपको लिंटिफ आउटपुट एंड इनपुट मॉडल होगा ये बात ध्यान रखेंगे आप उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग का आपके पास में आपका सिंप्लेक्स मेथड इंपॉर्टेंट है और कैलकुलस के आपके दो क्वेश्चंस होंगे पेपर में पांच में से दो सवाल कैलकुलस के होंगे एक सवाल मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का इसके ऑप्शन में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स इसके ऑप्शन में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स लेने प्रोग्रामिंग ऑप्शन में लीन प्रोग्रामिंग लेकिन दो क्वेश्चन आपको कैलकुलस से मिलेगा इसमें बेसिक कैलकुलस है और एक एडवांस कैलकुलस है तो आपके पास में एडवांस कैलकुलस और बेसिक कैलकुलस आपको दोनों में से कवर करना है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सरप्लस ईओक्यू इलास्टिसिटी ऑफ कंप्लीट टॉपिक क्लासिटी का पढ़ना है आपको रेट ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स जो कि एडवांस आपके कैलकुलस के अंदर आता है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो कैलकुलस तो मैं यही कहूंगा कि भैया जितने भी लेक्चर है आपके उस सारे लेक्चर को आप देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीस नंबर का अकेला टॉपिक है और कैलकुलस में ही आपके स्कोर के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं तीस नंबर का कैलकुलस टॉपिक ऐसा रहता है कि जो आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो कम से कम आपको ये फेल होने से यहीं से बचा देता है बाकी पेपरों में बाकी आपका मैट्रिक्स में कुछ गलत हो गया या फिर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में आप नहीं कर पाए या फिर आपके आप मैथमेटिक्स और फाइनेंस में एक दो पार्ट आपका मिस हो गया तब भी आप ले दे करके पास हो ही जाते हैं तो इसलिए कैलकुलस का टॉपिक जो बच्चा छोड़ के चलता है मेरा कहना है कि उन्हीं बच्चों का बैग लगाए जिनका कैलकुलस का टॉपिक छोड़ के चला था ये टॉपिक जो बच्चा स्किप करेगा ध्यान रखना उसका ई बैक फिर से लगेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस दो क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं और सिर्फ दो क्वेश्चंस के ऊपर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जो भी आपका स्कोर बनता है वो यहीं से बनता है बच्चे कई बार होता है कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस के क्वेश्चन को कैच नहीं कर पाता एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कई बार ऐसा होता है कुछ उसके दो पार्ट कर पाए दो पार्ट नहीं कर पाया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स में एक पार्ट कर पाया एक पार्ट नहीं कर पाया आपका, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में एक पार्ट कर पाया पार एक पार्ट नहीं कर पाया ऐसे प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ में रहते हैं तो उसमें आधे अधूरे क्वेश्चन कई बार बच्चे अटैम्प्ट करते हैं लेकिन इसके पूरे क्वेश्चन सारे पार्ट इसके सॉल्व होते हैं और ये ईजी भी है तो इसलिए ये आप मान के चलिए आपके एग्जाम में थर्टी मार्क्स का वेटेज रखता है तो इसमें से आपके जो है थर्टी में से आपके थर्टी मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं नहीं तो पच्चीस तो आपके आ आए ही जाएंगे अगर आपने इस टॉपिक को स्किप करा तो आपके बैक जरूर लगेगी जिन्होंने अभी तक कैलकुलस नहीं पढ़ा कैलकुलस को ही पढ़ना पहले चालू करें क्लियर है उसके बाद आप मैथामेटिक्स और फाइनेंस को पढ़ो लास्ट के तीन साल के क्वेश्चन पेपर के थ्रू ये टॉपिक्स पहले कवर कर लो तो आप अपने जो आपको जो है दोबारा बैक से बचा सकते हैं क्लियर है बच्चे वो बच्चे अब कंटेंट कहाँ मिलेगा तो हमारे जो है शिक्षा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए बिजनेस मैथ्स पे जाइए वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा अगर आपको कंटेंट देखना है कोई ऐसा है नहीं कि आप सोचेंगे सर इतना कम टाइम बचा हुआ है उसमें हम क्या आ, चार सौ रुपये पाँच हम खर्च करें कोर्स के ऊपर तो बच्चे अगर आप कि दोबारा भगवान ना करें ऐसा हो बट दोबारा बैक लग जाता तो दोबारा आपको खर्च करने की नीड नहीं रहेगी हम आपके वैलिडिटी बढ़ा देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए इसी कोर्स में कम से कम भी तीन चार दिन तो अभी आप इसको यूज़ हो जाएगा अगर आपका और तीन चार दिन में अगर आप पास हो जाते हो तो पैसा आपका यूटिलाइज़ हो गया और भगवान न करे अगर कुछ ऐसा हुआ कि अब कुछ दिक्कत हो गई तो वो फिर आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा हम आगे भी आपको इसमें इसकी वैलिडिटी आपकी बढ़ा देंगे तो बच्चे ये बिज़नेस मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसकी आप बात कर रहे थे तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करें और मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि आप दो चीज़ों के दम पर पेपर में जा सकते हैं पाँचों यूनिट पढ़ना पड़ेगा तभी पास होंगे लेकिन दो में दमखम आपको रखना पड़ेगा कैलकुलस में और मैथमेटिक्स और फाइनेंस में सबसे पहले टूट के पढ़िएगा आप इन दो टॉपिक को जब आपका कॉन्फिडेंस आता है तब जाकर के आप बाकी टॉपिक्स को आप छेड़िए क्लियर है बच्चे थैंक यू जी थैंक यू सो मच